हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से, पार्टनरशिप फर्म में से अगर रिटायर होता है तो उस केस में जो उसको अमाउंट पे करनी होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम ये कैसे पता लगाएं कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट पे करनी है। सो हमारा टॉपिक है कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर होके जा रहा है उसको कितनी अमाउंट पे की जाएगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अमाउंट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की दो वीडियोज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वो बेसिक कंसेप्ट है, वो वीडियोस आपको देख लेनी चाहिए ये वीडियो शुरू करने से पहले। इसके अलावा अगर आपको ट्रीटमेंट्स नहीं पता, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं रिटायरमेंट के केस में, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर ये भी नहीं पता तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली ये फाइंड आउट करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट पे करनी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख कर आइए, तभी ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, ताकि आपको थ्योरी भी समझ आ जाए और आपके माइंड में हमेशा के लिए ये याद रह जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, रिटायरमेंट के केस में अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, एज ओल्ड पार्टनर इज रिटायरिंग सो अ फर्म नीड्स टू पे द बैलेंस अमाउंट टू दैट पार्टनर बिफोर द पार्टनर रिटायर्स। अब क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है उसने कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की होगी, उसने अपने हिस्से का प्रॉफिट अर्न किया होगा, सो उसको वो सारी अमाउंट पे करनी ही पड़ेंगी। फॉर दैट अ मैनेजर और अकाउंटेंट मे बी आस्क टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। सो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक मैनेजर या फिर अकाउंटेंट को कहा जा सकता है। इन दैट केस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट पे करनी होती है, कौन सी पे करनी होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमें कहा गया, द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स। सो ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। कोई भी रिटायरिंग पार्टनर हो, अगर उसकी हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, सिंपली उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो इसका मतलब इस टॉपिक में मेनली फोकस हमारा होगा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की, अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट कैलकुलेशन करनी है कि उसको कितनी अमाउंट पे की जाए, तो सिंपली हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, कैपिटल अकाउंट। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमें कहा गया है, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड्स। सो बेसिकली अगर आपने एडमिशन का चैप्टर किया है तो आपको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या अमाउंट्स एंटर की जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर जो होगा उसका अकाउंट हमारे पास होगा ओपनिंग कैपिटल का अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट्स दिए जाते हैं तो दोनों को सेपरेटली हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ है तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। कोई भी अगर रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर है तो वो भी उसको पे किया जाएगा, या फिर एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट है वो भी उसको दिया जाएगा। अगर लॉस है, कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है और उसका शेयर है उस लॉस में, तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स को, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को दे के जा रहा है।
सो इसका मतलब जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसको क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर दे दिया जाएगा। जितना उसका शेयर होगा बिजनेस की गुडविल में उतना उसको दिया जाएगा। कौन देंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर्स। सो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो गुडविल का शेयर पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। इसके अलावा अगर बिजनेस का कोई प्रॉफिट हुआ है, जितनी देर तक वो बिजनेस में रहा उतनी देर में, उतने पीरियड में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको उसका प्रॉफिट भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई किया गया तो जैसे कहा गया होगा एग्रीमेंट में, डीड में, उसके अकॉर्डिंग उस पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। सो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट में ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ये सभी आइटम्स स्पेसिफाई की जाती हैं। इन सब की अमाउंट से ही हमें पता चलता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी टोटल अमाउंट हमने पे करनी है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको यूज़ पड़े तो आप इसको देख पाएं। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके ये देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करनी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे को मोटिवेट करते हैं और न्यू वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएं। सो चलिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन आ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2013 को। बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड्स दी हुई हैं। इसके अलावा हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर हमें कहा गया है ऑन दैट डेट सी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस। 31 मार्च 2013 को वो रिटायर हो रहा है। ऑन दैट डेट का मतलब 31 मार्च 2013। इट इज़ एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। सो ये कहा गया है कि जितनी भी अमाउंट उसको पे करनी है वो हम पे नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के पास इतना कैश नहीं है कि वो पे कर सके, इसलिए जितनी अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आएगी उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ लोन। सो एग्री क्या किया गया, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू एडजस्ट दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एज रिटायरमेंट। में क्या एग्री किया गया कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या की जाएंगी, रीवैल्यूड। सो इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो हम एंट्रीज रीड आउट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको नहीं पता कि कैसे प्रिपेयर करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है कि रिवैल्यूएशन कैसे प्रिपेयर करना होता है और डेबिट और क्रेडिट साइड कौन से अमाउंट्स एंटर करते हैं। सो चलिए फर्स्ट एंट्री से रीड आउट करते हैं। To provide a reserve of 5% on sundry debtors for doubtful debts. So ये कह रहे हैं कि debtors के ऊपर हमें 5% क्या क्रिएट करना है, provision for doubtful debt. So debtors हमारे पास दिए हुए हैं 9,000 के, इनके ऊपर provision क्रिएट करना मतलब हमें loss हो गया क्योंकि हमें doubt है कि 9,000 में से 5% ऐसे debtors हैं जो हमें payment नहीं करेंगे। सो क्योंकि ये लॉस हुआ है तो इसका मतलब इसको हम रिवैल्यूएशन की कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 9,000 का 5% आएगा 450। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। सो स्टॉक हमें दिया हुआ है 7,000, इसके ऊपर 5% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे
तो एसेट डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये भी लॉस हो गया, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। और मशीनरी भी हमारी एसेट है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, 6000 के ऊपर 10%, तो ये भी हमें लॉस हो गया, इसका मतलब इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। सो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्टॉक और टू मशीनरी। सो स्टॉक की अमाउंट हमारे पास आएगी 350 और मशीनरी की अमाउंट हमारे पास आएगी 600। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं थर्ड पॉइंट, फैक्ट्री बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट ₹15,100। इसका मतलब जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है अब उसकी न्यू वैल्यू हो जाएगी ₹15,100, ओल्ड वैल्यू क्या थी 14,000। सो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है, और एसेट का इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट होना। सो इसलिए प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन की कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सो यहां पर मैं लिखूंगा बाय फैक्ट्री बिल्डिंग और अमाउंट आएगी 1100, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 1100 से इंक्रीज हुई है, पूरी की पूरी 15,100 आपने नहीं मेंशन करनी। अच्छा, इसके बाद हमें कहा गया है द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 15,000। अब गुडविल की वैल्यू हमें इसलिए दी गई है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर दिया जाता है। सो 15,000 पूरी फर्म की वैल्यू है। सो क्योंकि 15,000 पूरी फर्म की वैल्यू है, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है हम उसको उसका शेयर दे देंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी, और उसका शेयर हमारे पास है 1/6। सो 15,000 का 1/6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2500। सो इसका मतलब जो सी पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसको उसका शेयर मिल जाएगा गुडविल में से, जो कि है 2500। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹15,000 बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि आने वाली न्यू बैलेंस शीट में हम गुडविल को मेंशन ना करें। तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसको उसकी गुडविल का शेयर दे दिया जाएगा। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। सो यहाँ पर हमें न्यू रेशो भी दी गई है, ए और बी जो कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कॉन्टिन्यू करेंगे इक्वल रेशो में, 1:1 में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, सो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। सो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों में से कौन सी साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, ऑब्वियसली डेबिट साइड। सो इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस। सो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है लॉस उसको भी बियर करना पड़ेगा। सो तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो हमें दी गई है 3:1 और लॉस हमें हुआ है 300 का। सो 3:1 में हम ये 300 डिवाइड करेंगे तो ए के पास आएगा 150, बी का आएगा 100 और सी का आएगा 50। सो रिवैल्यूएशन हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया। आपको ये याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने एक्यूरेटली उसका फॉर्मेट पूरा एक्यूरेटली मेंशन करना है, ये ना हो कि आपके मार्क्स बेफालतू में काट लिए जाएं, टोटल भी आपने लास्ट में मेंशन करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यही वो अकाउंट है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट पे की जाएगी। तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, उसके बाद हमें फर्स्ट एंट्री क्या मेंशन करनी है, जो उनका ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो हमें बैलेंस दिया हुआ है ए बी और सी तीनों के अकाउंट में 10,000 है। सो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे 10,000।
बैलेंस ब्रोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर कोई रिजर्व है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हम देख लेते हैं, सो हमें दिया हुआ है रिजर्व 6000 का, सो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय रिजर्व फंड, हमारे पास 6000 है तो 6000 तीनों पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे 3:1। सो हमारे पास आ जाएगा 3000, 2000, 1000। रिजर्व के अलावा अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा होता वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अगर लॉस होता तो उसको हम यहाँ पर ट्रीट करते, अगर कोई गुडविल पड़ी होती ओल्ड गुडविल तो उसका भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करते, हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो रिवैल्यूएशन का लॉस था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस को हमें कहाँ पर मेंशन करना होता है, डेबिट साइड। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 150, 100 and 50। सो रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन गुडविल की ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर गुडविल लेके आता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। सो इसका मतलब हमें ये चेक करना होगा कि गेन कौन कर रहा है, और उसके लिए हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी होगी। सो चलिए गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशो में शेयर करेंगे, ये इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया था, और जो सी है वो तो रिटायर होके जा रहे हैं इसलिए इसकी न्यू रेशो कोई भी नहीं है। ओल्ड रेशो हमें दी गई थी 3:1। सो एलसीएम लेके अगर इनको सोल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ए जो है वो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, सो उसकी गेनिंग रेशो कुछ भी नहीं आ रही। बी जो है वो गेन कर रहा है 1/6 से, और सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी तो सेक्रीफाइस करेगा ही क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। सो इसका मतलब जो बी है वो गुडविल का शेयर लेके आएगा और किसको पे करेगा, सी को। सो गुडविल हमें पता है 15000 दी हुई थी, 1/6 करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2500। सो इसका मतलब बी का अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट, क्योंकि बी 2500 पे करेगा। अब क्योंकि सी को पे करेगा इसका मतलब सी का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो ये हमारे पास है कैपिटल अकाउंट, सी का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है क्योंकि उसको गुडविल का शेयर पे किया जाएगा, कौन पे करेगा, बी। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय बी इज कैपिटल अकाउंट 2500 सी को दिया जा रहा है। अब क्योंकि बी पे कर रहा है इसलिए बी के अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू सी इज कैपिटल अकाउंट 2500। कैपिटल अकाउंट में जितनी भी ट्रीटमेंट्स हमें दी गई थी वो सब एंटर करने के बाद लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन, और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उसको हमें अमाउंट कितनी पे करनी है हम ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अमाउंट हम पे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले हम सी के लिए कैलकुलेशंस करते हैं, 10000 प्लस 1000 प्लस 2500 और माइनस करेंगे 50, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 13450। अब क्योंकि उसको पे नहीं करनी इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट। अगर पे कर देते तो यहाँ पर हम टू कैश या फिर टू बैंक यूज़ कर सकते थे। अब ए और बी के लिए भी हम कैरी डाउन कर लेते हैं, 10000 प्लस 3000 माइनस 150, तो ये हमारे पास आएगा 12850। ऐसे ही बी के लिए भी 10 प्लस 2 माइनस 100 माइनस 2500, सो ये हमारे पास आएगा 9400। लास्ट में आपको अकाउंट क्लोज भी करने हैं टोटल करने के बाद।
सो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेम वैसे प्रिपेयर करना है जैसे आप एडमिशन के केस में करते थे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो इसलिए उसको गुडविल का शेयर दिया जाएगा, जबकि एडमिशन के केस में जब न्यू पार्टनर आता था तो वो गुडविल का शेयर लेके आता था। सो अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, क्योंकि बिना बैलेंस शीट के आपको ये नहीं पता लग सकता कि आपका क्वेश्चन या फिर जो आपने अटेम्प्ट किया है आंसर वो करेक्ट है या फिर नहीं। अगर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सो ये थी हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें अब न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। जो चेंजेस हमने रिकॉर्ड करने हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड्स देख लेते हैं। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 1600 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो इसलिए इसको हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2013, लायबिलिटी एंड एसेट साइड। तो सबसे पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेते हैं 1600। रिजर्व हमने रिकॉर्ड नहीं करना। इसके बाद हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सीज लोन। अब क्योंकि हमने सी को लोन नहीं पे किया और सी हमारा पार्टनर भी नहीं है, इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे, सीज लोन अकाउंट, और उसको कितनी अमाउंट हमने पे करनी है? 13,450। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे। किसका? सिर्फ ए और बी का, क्योंकि यही दो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हमारे पास हैं। सो ए की अमाउंट आई थी 12,850 और बी की आई थी 9,400, और इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 22,250। ऐसे ही अब हमें एसेट साइड भी प्रिपेयर करनी है। एसेट साइड सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कैश एट बैंक, इसमें भी कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं करना। सन्ड्री क्रेडिटर में रिकॉर्ड करना है, 9,000 में से हम माइनस करेंगे 450, क्योंकि हमने 5% क्या क्रिएट की थी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो ये हमारे पास एसेट साइड, कैश इन हैंड 600, कैश एट बैंक 1,000, डेटर्स हमें दिए गए हैं 9,000 के, उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 450, सो ये हमारे पास आ जाएगा 8,550। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक इन हैंड। अब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की गई थी तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगी अब हम वो मेंशन करेंगे। सो यहां पर हम लिख देते हैं स्टॉक, और स्टॉक की अमाउंट माइनस करने के बाद हमारे पास आएगी 6,650। नेक्स्ट हमारे पास है मशीनरी 6,000। अब मशीनरी के ऊपर भी 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी तो इसकी भी अमाउंट हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 5,400। लास्ट में हमारे पास है फैक्ट्री बिल्डिंग, और जिसकी न्यू अमाउंट क्या है? 15,100। सो ये हमारे पास है बैलेंस शीट। एंड में आपका टोटल जो है वो मैच करना चाहिए। सो हम देख लेते हैं। सो लायबिलिटी साइड हमारा टोटल आ रहा है 37,300, और एसेट साइड हमारा टोटल भी सेम आ रहा है 37,300। सो इसका मतलब हमारी सारी एंट्रीज करेक्ट हैं। आई होप अब आपको पता लग गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, और लास्ट में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए दोनों ही अकाउंट्स पे मेरा नेम जोली कोचिंग ही है।